रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नामिका। निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के यहां छापा मारा है। आपको बता दें कि इंजीनियर के कार्यालय से 6.75 लाख रुपए और आवास से 5.60 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण, 10 खातों में निवेश और जमीन में निवेश के 8 दस्तावेज भी मिले हैं। मदन कुमार भवन निर्माण विभाग पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात है, इंजीनियर है। निगरानी के पास जानकारी थी कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय के वैध स्रोतों के अलावा 2.26 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद निगरानी ब्यूरो ने इनके खिलाफ 6 अक्टूबर को निगरानी थाने में केस दर्ज किया। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद गोला रोड स्थित वृंदावन कॉलोनी के 2 मंजिला मकान के 4 फ्लैट पर धावा बोला गया। दूसरी टीम ने इनके कार्यालय पर छापा मारा, यानी कि इंजीनियर के पास काफी ज्यादा संपत्ति मिली। निगरानी ब्यूरो के अनुसार आपको बता दें कि इनके जो ऑफिस है वहां पर 6.7 लाख रुपए और उनके आवास से 5.60 लाख रुपए मिले हैं। साथ ही साथ कुल 12.35 लाख नकद मिले। इसके अलावा इनके पास से काफी ज्यादा आभूषण मिले हैं, कई जगह पर जो प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो भी मिले हैं। इनके अनुसार इनके स्वजनों के नाम से जमीन के 8 प्लॉट खरीदे हैं, जिसके दस्तावेज निगरानी ने बरामद कर लिए। निगरानी ने दावा किया है कि उनके यहाँ तलाशी जारी है और यहाँ से और संपत्ति मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इंजीनियर मदन कुमार ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा वार्षिक संपत्ति विवरण में नहीं दिया था। तो देखिये, नीतीश कुमार का राज है, सुशासन का राज्य है और सुशासन के राज्य में पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जाना है। फिलहाल खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।